हेलो एवरीवन, मेरे ग्री लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, तो ये थोड़े बहुत मैं आपको प्लांट्स भी दिखाने वाली हूँ, फूल वाले, सब्जी वाले, और फिर और थोड़ा साफ़ सफाई करके फिर उसके बाद मैं टमाटर के प्लांट भी मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो आइए लास्ट तक बने रहे मेरे वीडियो में। जितने भी मैं पीले पत्ते होते हैं और ये रोज़ सुबह झाड़ू से सफाई कर देती हूँ। जितने भी गमले में ये फ्लावर वगैरह सब पत्तियाँ देखो ऐसे आ जाती हैं, अगर हम इनको निकाल देंगे तो गमले में साफ़ सफाई भी रहेगी और ये घास वगैरह जितनी भी होती हैं सब निकाल दें तो ये जो छोटा छोटा ये फूल वगैरह या पत्तियाँ ये रह जाती हैं, तो इससे क्या होता है, फंगस पकड़ लेता है। तो इसलिए ये गमले की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए, जहाँ हम रहते हैं छत पे, तो हमें रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है। ऐसे तो गार्डन की सफाई करनी पड़ती है, लेकिन ये तो रोज़ का ही काम है मेरा। और ये देखो, छोटी सी जगह में भी इतनी सारी ये पत्तियाँ झड़ गई, निकल गई, क्योंकि धूप भी हो रही है बीच बीच में, तो ये पत्ती पुरानी होती है तो ये निकल भी जाती है। और ये मैं अपने फर्टिलाइज़र बना दूँगी, इसका खाद बना दूँगी। जो पत्तियाँ मैं इकट्ठा कर लेती हूँ एक जगह, इनको सभी को, तो इसकी खाद बन जाती है। तो ये देखिए, और ये देखिए अरेलिया का कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर से पेंटास का रेड कलर का रखा है और इधर से ये रानी कलर का पेंटास है, डार्क पिंक, और ये वाइट का, ये कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना खूबसूरत लग रहा है बीच में रखा हुआ। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह अगर हम मिला के रखते हैं कंट्रास्ट तो कितने खूबसूरत लगते हैं प्लांट। और कभी कभी लगता है कि मैं दिखाते दिखाते इतनी अपनी प्लांट की तारीफ करने लग जाती हूँ तो भूल जाती हूँ कि यार कितना समय हो गया। तो ये देखिए, क्योंकि ये अच्छे, इतने अच्छे लगते हैं और इतना खुशी होती है बताते हुए, बहुत खुशी होती है, तो अपने आप ही अपने मुँह से देखो निकलता रहता है। आइए, मैं टमाटर की प्लांट लगाने वाली हूँ। ये देखिए, बिल्ली भी लगाते लगाते। और टमाटर प्लांट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, रिपोर्टिंग से लेके लगाने तक पूरी जानकारी देने वाली हूँ। और टमाटर के प्लांट लगाने के लिए मैंने सोयल जो तैयार की है वो मेरी पहले से तैयार है, जैसी मैं रखती हूँ, एक पार्ट गार्डन सोयल, एक पार्ट सैंड, एक पार्ट कोकोपीट और एक पार्ट कोई भी पका हुआ कंपोज। और जैसे कि आप ये वर्मी कंपोज ले सकते हो और ये पत्ती का भी ले सकते हो। और मैं इसमें लिया हुआ है मैंने, तो ये मैंने जो पकी हुई ये गोबर की खाद होती है वो है इसमें। तो बिल्कुल पकी हुई खाद वो लें आप जो बिल्कुल एक साल पुरानी हो कम से कम, तो एकदम ब्लैक होती है, पकी हुई होती है और बरसात में जो है उसमें फंगस नहीं लगती है, क्योंकि अगर हम कच्ची लेंगे तो उसमें फंगस बन जाती है और प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें पकी हुई लेनी है, एकदम काली ब्लैक हो जाती है तो वो अच्छी रहती है। और ये देखिए, अब मैं इसमें ये वाले लगाने वाली, और एक में मैंने लगा दिया है, इसमें भी मेरी पहले ही मिट्टी तैयार थी, तो अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो मैं इसको धीरे से निकालने वाली। और देखिए, टमाटर तो बहुत महंगा हो रहा, तो ये अभी हमारे कुछ दिनों में ये फूल भी दे देंगे और टमाटर भी हमें मिल जाएंगे। तो और घर के तो देखो ऑर्गेनिक रहते हैं, ये ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, तो ये फंगी साइड में बिल्कुल नहीं डालूंगी। इसमें बस ये नीम खली भी होता है मेरा, दो मुट्ठी, 6 इंच के गमले में 2 मुट्ठी मेरा नीम खली होता है, तो बाकी मेरा ये इसमें कोई भी किसी भी तरह का ये केमिकल खाद नहीं है। टमाटर के प्लांट और इसमें से दो दो लेने वाली हूँ, और मैं इसमें आराम से निकालूंगी इससे, और मैं इसको धीरे से निकाल लूँगी और इसमें बीच में जगह बना लेती हूँ, बस यहाँ पे लगा लूँगी। और मैंने तो 6 इंच का गमला दिया है, तो आप इसको ज़्यादा भी दे सकते हैं, बस इसमें होल ज़रूर चाहिए हमारे बड़े बड़े, जिससे पानी निकल जाए। और ये देखो, मैं इसको, ये काफ़ी बड़े हो गए मेरे प्लांट, तो मैं इसको धीरे से इसकी सहायता से इसको निकाल लूँगी। ये बहुत सारे प्लांट हैं इसमें, तो थोड़े थोड़े, इतने सारे मेरे पास गमले नहीं हैं, बस मैं क्या करूँगी, ये जो वेस्ट, किचन वेस्ट डिब्बे होते हैं हमारे, तो मैं कुछ उसमें लगाने वाली हूँ, क्योंकि उसमें भी हो जाएंगे ये मेरे। और अभी फ़िलहाल तो दो दो करके मैं इसी में लगा देती हूँ, ये 3 आ गए हैं, इस बस मैं 2 ही लगाऊँगी इसमें। तो देखो, इनकी ना रूट्स ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते, तो ये छोटे में भी चल जाते हैं 6-7 इंच के। तो अगर आपके पास 10 इंच का है पॉट तो उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये छोटे हैं, इसको तो ये भी लगा देती हूँ साथ में। और मैं बस ये वैसे 2 ही लगाने वाली थी, मगर ये छोटा सा है साथ में आ गया, अगर चलेगा ठीक है, नहीं तो
ये देखिए लग के तैयार हो जाएंगे। और अभी इसी में चारों तरफ से मिट्टी इसको धीरे धीरे कर दूँगी तो ये सीधे हो जाएंगे। अभी दो चार दिन में सीधे ही हैं, देखो इसमें कैसे सीधे खड़े हैं, इसी तरह फिर इसी में भी हो जाएंगे। तो अब मैं इसके ऊपर से मतलब चारों तरफ से इसके मिट्टी डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी, तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर ये नहीं होते स्ट्रेट तो थोड़ा सा इसे सपोर्ट दे देंगे हम किसी स्टिक से डंडे से, इस तरह से इसके पास में सपोर्ट दे देंगे इसको, तो ये सीधे खड़े रहेंगे। वैसे देखो सीधे हो गए चारों तरफ से इसके मिट्टी धीरे धीरे मूली से दबा देंगे तो पूरे सीधे खड़े हो जाएंगे ये। फिर बस देखो लग के तैयार हो गया, जरा सी देर लगी, कोई टाइम भी नहीं लगा और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैं लगा नहीं पाई थी, नहीं तो ये अब तक और भी बड़े हो जाते और शायद इस पर फूल भी आने लगते। तो कोई बात नहीं, देखो देर से मगर अब टमाटर लग के मेरे प्लांट तैयार हो गए। तो अभी इतने सारे हो रहे हैं, अभी तो और भी लगाने वाली हूँ थोड़े थोड़े अलग अलग, तो बहुत सारे टमाटर हो जाएंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने लगा दिया, बस ये गिल्ली मिट्टी है तो इसमें पानी मैं नहीं डालूँगी, अभी डालूँगी तो बहुत थोड़ा सा डालूँगी स्प्रे बोतल से, ताकि ये इनकी जड़ जो है जड़ों ये जड़ जो जाती ना अंदर, तो पानी तो इसलिए ज़्यादा दिया जाता है इनको, मतलब पहली बार, ताकि ये जड़े जो है मिट्टी में अपनी जगह बना ले, इसलिए पानी दिया जाता है। और इसमें बहुत सारा गीला मिट्टी है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे डाल दूंगी जड़ के आसपास, जिससे वो मिट्टी में अपनी जड़ बना ले, जगह बना ले। और जो हमने खाए थे वो बीज डाले थे और उसके देखो फ्री में ही टमाटर तैयार हो गए, और ये ऑर्गेनिक टमाटर होंगे, कोई खाद ये नुकसान भी नहीं देंगे, ये टमाटर इस तरह के होंगे क्योंकि मैंने कोई केमिकल खाद नहीं डाला और ना इसमें केमिकल, जो भी हम सब्जियां लगाते हैं उसमें केमिकल खाद डालना भी नहीं चाहिए, मैं तो कभी नहीं डालती। तो और इसमें अब मैं बिल्कुल भी कोई खाद वाद नहीं दूंगी क्योंकि इसमें पहले से ही है मेरा, तो जब इस पर फ्रूटिंग शुरू होगी बस इस पर मैं तभी दूंगी थोड़ा सा, दो मुट्ठी ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट, चाहे तो काउडंग या ये वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट जो भी हमारे पास है। तो मेरे पास तो ज़्यादातर ये काउडंग रहती है या वर्मी कंपोस्ट रहती है, तो मैं उसी को इसमें एक मुट्ठी या दो मुट्ठी मैं इसमें डाल दूंगी जब फ्रूटिंग्स स्टार्ट होगी फूल के बाद। देखिए ये टमाटर का जो प्लांट होता है तो इसको लगाना भी ईजी होता है, इसके बीज भी लगाना बहुत ईजी होता है, कहीं भी डाल दो वो जम जाते, और इनको ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलते हैं, कोई भी इसमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इनको, बस एक गमला दीजिए इसी छोटा सा और प्लांट लगा दीजिए और थोड़ा सा इसमें खाद दे दीजिए, बस कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, तो ये कैसी भी मिट्टी में अच्छे से चल जाते हैं। तो ये देखो बहुत ईजी है इन्हें लगाना, तो आप ये लगा सकते हो। और बाई चांस इसमें कोई कीड़ा वगैरह लगता है तो हमें केमिकल का यूज नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, बस हमें नीम ऑयल जो होता है उसका यूज करना है, एक लीटर पानी में और 1.5 ग्राम या 1 चम्मच आप नीम ऑयल लेके उसमें स्प्रे बोतल में डाल के तो उसको मिला के उसमें स्प्रे कर दो ऊपर से, बस वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे इतने सारे टमाटर के प्लांट मेरे बच भी गए, अगर कोई लेता है तो मैं उनको दे दूँगी। और इन प्लांट को अंधेरे में नहीं रखना, जहाँ ब्राइट लाइट हो वहीं रखना, या बड़े प्लांट हो उनके नीचे रख सकते हैं, तो बिल्कुल डायरेक्ट धूप में तो नहीं रखना है 5-6 दिन इनको। तो मैं इनको 5-6 दिन ये जो है मैं टीन शेड के नीचे रख दूंगी अपने, वहाँ पे अच्छी लाइट भी आती है, तो इसे धूप में बाद में 5-6 दिन के बाद रखूँगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।